हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा चैनल एग्जाम स्टैक में स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2021। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट कर दे। आज का पहला वर्ड है गैमुट, और एक नाउन है, इसका मतलब है द कॉम्प्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की पूरी सीमा या दायरा। इसका सिनोनिम है स्पेक्ट्रम, एरिया एंड पैनोरामा। इसका एंटोनिम विपरीतक शब्द है स्टेन प्लेस, फेल एंड इनकैपेबिलिटी। इसका एग्जांपल है कॉलेज लाइफ ओपेंड आप ए होल गैमुट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, कॉलेज जीवन ने नए अनुभव की एक पूरी श्रृंखला खोली है। इसमें गैमुट एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। आज का दूसरा वर्ड है हस्टी, और एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डन विथ एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी और हरीड, अत्यधिक गति या आवश्यकता या जल्दबाजी के साथ किया गया काम। इसका सिनोनिम है एब्रप्ट, केयरलेस एंड अर्जेंट। इसका एंटोनिम विपरीतक शब्द है केयरफुल, डिलेड एंड स्लगिश। इसका एग्जाम्पल है ही सून रिग्रेटेड हिज हेस्टी डिसीजन, उसे जल्दी ही अपने जल्दबाजी में ली गई फैसले पर पछतावा हुआ है। इसमें हेस्टी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। आज का तीसरा वर्ड है साकार, और एक नाउन है, इसका मतलब है असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन आइटम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, कठिनाई और संकट के समय में सहायता और समर्थन प्रदान करना। इसका सिनोनिम है एड, हेल्प एंड रिलीफ। इसका एंटोनिम विपरीतक शब्द है हार्ट, ब्लॉकेज एंड हिंड्रेंस। इसका एग्जाम्पल है दे गिव साकार टू द विक्टिम्स ऑफ वॉर, वो युद्ध के पीड़ितों की सहायता देता है। इसमें साकार एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। आज का चौथा वर्ड है ब्रॉल, और एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दे गॉट कॉट अप इन ए स्ट्रीट ब्रॉल, एक मोटा या शोर लड़ाई या झगड़ा। इसका सिनोनिम है आर्गुमेंट, डिस्प्यूट एंड स्कैफल। इसका एंटोनिम विपरीतक शब्द है हारमोनी, पीस एंड काम। इसका एग्जाम्पल है दे गॉट कॉट अप इन ए स्ट्रीट ब्रॉल, वो सड़क विवाद में फंस गई है। इसमें ब्रॉल एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। आज का पांचवा वर्ड है एबोमिनेबल, और एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कॉजिंग मोरल रिवल्शन, नैतिक विद्रोह का कारण बनता है। इसका सिनोनिम है एबोरेंट, एट्रोसियस एंड डिस्पिकेबल। इसका एंटोनिम विपरीतक शब्द है डिलाइटफुल, प्लीजेंट एंड डिजायरस। इसका एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड द किलिंग्स एज एन एबोमिनेबल क्राइम, राष्ट्रपति ने हत्याओं को घृणा अपराध बताया है। इसमें एबोमिनेबल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दाइन थैंक यू।